उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण के चुनाव का तापमान जानने के लिए हमने रुख किया बनारस से गाजीपुर की तरफ और बीच में रुके जंगीपुर विधानसभा में। यह पूरा इलाका बनारस से यूं तो सटा है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार की कमान थामी हुई है, लेकिन यहां पर कुछ और मुद्दे हैं। वो मुद्दे बहुत मुखर हैं। इन्हें जानने के लिए हमने चाय पे की चर्चा सड़क किनारे चाय के एक ढाबे पर बैठकर यहां के मतदाताओं से जानने की कोशिश की कि वे किन मुद्दों पे परेशान हैं और क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। कैसा तो बारह में भरा 1020 रुपया में भरा था। घर गृहस्थी चला रहे हैं, तेल खरीदते होंगे, अनाज खरीदते होंगे। अपन का तो कुल गरीब आदमी खरीद के ना खाए के बाद कुल चीज किन के खाई के बाद सब चीज महंगा हो गए। अब महंगा हो चाहे सस्ता हो, सस्ता मोदी करें तब ना। मोदी महंगा किए है ना, मोदी महंगा किए कि सस्ता किए? हाँ तो वही बात है भाई, महंगा कर दे बाणा। नहीं, मोदी क्या क्या ठीक किए ये बताओ। बहुत ठीक किए, पांच चीज बताइए। बहुत करे है, इतना रोड भी बना दिए है। तो एक चीज ये हुआ कि आपको 6000 रुपए मिलता है, और दूसरा क्या हुआ? चलिए अब कुल ठीक है बा। मोदी मतलब आप वोट भाजपा को देंगी, किसको देंगी? नहीं, हम लोग मोदी के देंगे। मोदी को देंगे? हाँ, मोदी के देंगे। फायदा में सड़क भी बन गया, राम मंदिर बन गया। राम मंदिर क्या, हम राम मंदिर पे क्या करेंगे? मुझे आके ये बताइए, आपको फ्री राशन नहीं मिला? नहीं नहीं, मैं फ्री राशन लेता ही नहीं। मैं फ्री राशन लेके क्या करेंगे? 5 किलो का राशन लेके हम क्या करें बताइए आप? 5 किलो राशन हमें दे रहे हैं और 1000 का गैस मिल रहा है, उस पर बनाया जा रहा है। 1000 गैस भरवाने में हालत खराब हो जा रही है, बेरोजगारी हो गई है। पैसा है नहीं कि हम लोग गैस भरा है। क्या मुद्दा है और कौन सी विधानसभा है आपकी? मेरा मुद्दा ये है, और विधानसभा मेरा जौराबाद पड़ता है। मुद्दा ये है बेरोजगारी, और सबसे बड़ी मुद्दा है कि हम लोग को इस बात परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन कर कौन रहा है? साइकिल कर रही है, हाथी कर रहा है? परिवर्तन अखिलेश यादव जी ही करेंगे, और किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन आपके यहाँ से तो बसपा के भी उम्मीदवार काफी मजबूत हैं। बसपा कुछ नहीं कर पाएगी, मगर लड़ाई में रहेगी बसपा से हमारी। आपकी लड़ाई बसपा से है? हाँ नहीं मैम, हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं और कालचरण के समर्थन में हैं। अच्छा, हाँ। बीजेपी के पक्ष में क्या क्या चीजें हैं आपके इलाके में? बहुत अच्छी चीज है। जैसे? बहुत बढ़िया चीज है सब है, मान लीजिए सम्मान निधि है, राशन की व्यवस्था है, और जो भी मान लीजिए राम मंदिर है। माहौल यहाँ ओम प्रकाश राजभर का कारण बढ़िया काम करेंगे, इसलिए आदमी दे रहे हैं। लेकिन अभी तो जब सरकार में थे तब तो कुछ किए नहीं वो। हाँ लेकिन काम करेंगे, अखिलेश जी साथ में हैं तो अच्छा काम करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सबको हिंदू मुसलमान सबको एक साथ लेकर चलने वाले हैं, इसलिए आदमी भरोसा कर रहा है उनके ऊपर। तो आपके हिसाब से कितना राजभर अभी भाजपा के साथ है? कम से कम 40-45% है बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ है जी। क्या मुद्दा है, किसकी पक्ष में माहौल लगता है आपको? ओम प्रकाश राजभर। लेकिन अभी तो आप ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, राजभर समाज से आते हैं, उनका कहना है कि भाजपा के साथ राजभर काफी हैं? नहीं, काफी एक भी नहीं बार है, ये तो अपन पर्सनल हैं, लगा हुआ है तो उनका है। हमने इसमें भर पूरा जौराबाद ओम प्रकाश राजभर के संग है। एक मतलब है कि इधर बच्चे सब बाहर से कितनी मुसीबत से आए घर पर, अपना अनाज पानी बेच के तो हम किसी तरह बुलवाए हैं। अब लड़का 10,000 और 12,000 कमात रहा, अब घर आके बैठे हैं सब, तो बताइए कि 5 किलो का कितना पैसा होता है, और हमारा 10,000 रुपया जो महीना में नुकसान होता है वो कहाँ से होता है? वो घर क्यों आ गए? अरे इतनी सासस आप देखे नहीं है कि लॉकडाउन में कितनी सासस हुआ है? हाँ, लड़के किसी बोरे में कसकस के अना, किसी किसी पैदल ही ना। लोग कह रहे हैं कि लोग तो भूल गए वो सब। अरे भूल जाएगा, जो भूल जाएगा, जिसे घर नहीं आया होगा लड़का वो भूल जाएगा, जिसको आया वो कैसे भूलेगा? लोगों को कोरोना याद है अभी? हाँ, भूलने वाली चीज है कि भूल जाएगा? हाँ, हमारे लड़के रोग आके एकदम किसी तरह कैसे किसी आए। एक सरकार से जो मैं यही चाहता हूँ कि नौजवानों को जो रोजगार अस्थायी रूप से मिले, राशन देने से नौजवानों का जो भला होने वाला नहीं है। ये बताएं कि अभी कौन सी विधानसभा है, क्योंकि ये हम जहाँ बैठे हैं दो विधानसभाओं के बीच में है ये,
एक तरफ दोनों विधानसभाओं के बारे में बताइए क्या आपको सीन लग रहा है। देखिए जो हम लोग यहाँ बैठे हैं जंगीपुर विधानसभा है, सड़क उस पार जहूराबाद विधानसभा है। मैडम आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे बढ़िया मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी है और किसानों का मुद्दा, किसान यहाँ त्रस्त है। यहाँ पर जितने सांड हैं, जोगी बाबा का लड़का सांड, सारे लोग सांडों से परेशान हैं। 5 किलो केवल एक बहकावे के रूप में जनता को 5 किलो राशन दिया जा रहा है और उससे कई गुना अनाज हम लोग का नुकसान खेतों में हो रहा है, तो हम लोग को कहाँ यहाँ फायदा हुआ मैडम। कई लोग बोल रहे हैं कि भाजपा अंदर ही अंदर बसपा को सपोर्ट कर रही है और बसपा भाजपा को सपोर्ट कर रही है, आपको क्या लगता है? ऐसा जागरूक जनता है, जनता की फिल्म में वो अपनी बातें रख रहे हैं, बाकी जनता ऐसा नहीं सोच रही है। जनता ऐसा नहीं सोच रही है। बहन जी की क्या स्थिति रहेगी पूर्वांचल में? पूर्वांचल में बहन जी की अच्छी स्थिति रहेगी। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है सब। भ्रष्टाचार किस चीज का? हर चीज में, जो काम 5 रुपया में होता था आज 50 रुपया में, जो काम 500 में होता 5000 में, तहसील से लगाई, ब्लॉक तक, चौकी से लगाई, तो थाने तक देख लीजिए। हर बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं मोदी जी और योगी जी, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। मोदी जी और योगी जी आए हैं चौकी तहसील ब्लॉक पर, तो देखे ना कि क्या हो रहा है। ये सरकार 80 बनाम 20 की बात करती है और ठीक 80% लोगों को नुकसान कर रही है, 20% लोगों को फायदा पहुंचा रही है जो उनके है। आपका कहना है कि नौकरियों में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, मास्टरी में घोटाला हुआ है, पैसा दे दे के लोग मास्टर हुए हैं। आपके बगल में ही मोदी जी भी आ रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, प्रचार तमाम चल रहा है, आपको लगता नहीं असर पड़ेगा उसका? नहीं नहीं कोई असर, वो तो मामा मारिस के खानदान के है ना, जैसे मामा मारिस ने वो सोने का हिरन बन करके सीता जी को छोड़ लिया, उसी तरह वो मोदी है और योगी दोनों यही है। हार नहीं लेंगे आप लोगों को? नहीं नहीं, इस बार परिवर्तन है कि रोजगार नहीं मिला। अभी जिस तरह से इलाहाबाद में आपने देखा कि नौजवान ने जब रोजगार मांगा तो पुलिस जो है उनके क्वार्टर में घुस घुस करके पीट रही है, यह पहली बार इलाहाबाद में देखने को मिला इस सरकार में। वो भी उस जब चुनाव चल रहा है उस काल में हाल है, और पूरे वर्ष हम लोग तो NPS में हैं, अपनी OPS की मांग के लिए हम लोग लखनऊ में गए थे और हम लोग की सरकार जो है टेंट नहीं लगाने दे रही थी, जबरदस्ती हम लोग को जो है अपनी मीटिंग करनी पड़ी, और सारे कर्मचारी इस बार जो है OPS के लिए वोटिंग कर रहे हैं। क्योंकि आपके OPS के बारे में बताइए जी, ओल्ड पेंशन स्कीम, हम लोग को नई पेंशन स्कीम है जो शेयर मार्केट के अधीन है। हम 35 साल सेवा करते हैं और जब हमारी बुढ़ापा आ जाता है, हम घर आते हैं, उस समय हमें 2,200 रुपया हमें पेंशन दी जा रही है, वो भी शेयर। आज यूक्रेन में युद्ध लगा हुआ है, शेयर मार्केट धराम, पैसा हमारा और हमारा पैसा खत्म। आज जितने भी शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, सब कुछ अपने भविष्य के लिए OPS के लिए वोटिंग कर रहे हैं और साइकिल की वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मेरी सरकार बनेगी तो हम OPS को पुनः बहाल करेंगे। नमस्कार, मैं भाषा और न्यूज क्लिक की टीम के साथ मैं इस समय खड़ी हूं बनारस से करीब 200 किलोमीटर दूर जहूराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में। यह कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत खास है क्योंकि भाजपा के भीतर जो पिछड़ों का विद्रोह हुआ उसका एक सबसे अहम चेहरा यहां से चुनाव लड़ रहा है, गठबंधन का उम्मीदवार ओम प्रकाश। राजभर का यह पूरा इलाका है, पिछली बार भी वह यहां से चुनाव लड़े और उनका मुकाबला यहां बसपा से उस उम्मीदवार से है जो पहले यहां से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार रह चुकी हैं, सदा फातिमा। लेकिन दिलचस्प मुकाबला यह है कि भाजपा ने जिसको उम्मीदवार बनाया है वह भी राजभर समुदाय से हैं और पिछली बार बसपा के उम्मीदवार थे। यानी एक तरह से बहुत साफ है कि जिस तरह से जातिगत समीकरण गठबंधन के पक्ष में गए हैं उसकी काट करने के लिए भाजपा और बसपा ने भरसकर कोशिश इस विधानसभा और इस तरह से इसके आसपास की विधानसभाओं में की है। देखना दिलचस्प ये है कि यहाँ पर जो राजभर कार्ड है वह किसके पक्ष में चल रहा है, क्योंकि इस पूरे विधानसभा में राजभर वोट के साथ साथ यादव और मुसलमान वोट की गिनती बहुत अहमियत रखती है। हाँ। ये बताइए कि आप राजभर हैं? हाँ, आपके यहाँ से 2 लोग राजभर हैं। हाँ। किसका नाम ज्यादा चल रहा है और क्या मुद्दा है उनका? चला था
ओम प्रकाश का, अखिलेश का, ओम प्रकाश का चला था। बिल्कुल दिक्कत है, अपना पशु अपना ही खेती खा जा रहे हैं, कहाँ गौशाला में जा रहे हैं, कौन कह रहा है, दो चार गौशाला में बांध दिए हैं लोग, उसी से सारे पशु चले गए हैं। किसान खाता था, उसी से जीता था, पशुओं को बेचता था तो उसे दो पैसा पाता था। अब किसान करता है गेहूँ चा धान को खेती खा जाए, पशु का बेचेगा, खाने के लिए मुश्किल है। तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई गाय को बचाने के लिए किया है ऐसा? क्या बचाने के लिए क्या है कि भाई गाय कैसे हम काटेंगे, गाय काटना खराब है, इसलिए ना योगी जी ऐसा किए हैं? मैडम घुट घुट कर जीने से भला मौत है। चार डंडा उनकी द्वारे, चार डंडा उनकी खेत में, चार डंडा उनकी द्वारे, ये कौन सी जिंदगी है? बिना दर्द के कट जाए वो भला है ना, ये कोई सम्मान है? तो आपको लगता है कि मुद्दा है चुनाव में? चुनाव में लोग वोट डालते समय सोचेंगे या राम मंदिर भी तो बन गया, सड़क बन गया, काशी चमक गया आपका, अयोध्या में मंदिर बन गया, का मगर सड़क रात दिन टकरा थे द्वार पर आके का सड़क बनल है पकिया। बरखा होता कच्चे बजत बन गया सड़क बात कच्चे बा, केवल पकिया सड़क बा, इतना पानी में मन कहल थी आज है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी बदतर स्थिति नहीं हुई है। आप आपके बिजनेस में बाकी लोग हैं उनका भी मानना ही, सबका सबकी स्थिति खराब है। देखिए क्योंकि देखिए नितिन गडकरी जी ने कहा कि बहुत आसान हो गया है, सबको कोई दिक्कत नहीं होती, किसी को रिश्वत देनी नहीं पड़ती, इतना बढ़ गया है। अब मैं आपको बताऊं, ये रिश्वत की बात करते हैं, इस सरकार में जो पुलिस वालों का बोलबाला है, कभी हमारे गाड़ी पर बैठ के चले रात को 12 बजे रात को, ये कहते हैं कि गुंडा राज नहीं है, सबसे बड़ा गुंडा राज इनके सरकार में है। चलिए कौन थाना देखिए तो बच रहा है, आइए बालू लटकर के, गिट्टी लटकर के, मुरम लटकर के, कोई भी सामान आप लाद करके आइए, देखिए रात को क्या स्थिति बनी हुई है। इतनी जबरदस्त व्यवस्था कहीं थी क्या? इतनी लूट कहीं नहीं थी, सबसे बड़ी लूट इस सरकार में। महंगाई पे रोक लगाना चाहिए, ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। महंगाई एक मुद्दा है आपके हिसाब से? महंगाई, बेरोजगारी है, और ये जो है कि जंगली पशु भी हैं, आवारा पशु जो आते हैं, इन लोगों से सब लोग परेशान हैं। 5 किलो राशन ये लोग दे रहे हैं, उससे ज़्यादा पशु नुकसान कर रहे हैं। इससे निजात पाने के लिए इनको हटाना ही जरूरी है। इनसे कई लाख दर्जा अच्छा कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस ठीक थी जी, कांग्रेस का ही देन है कि आज सब लोग चैन से थे, अभी तो ये लोग आए तो जो है कि सब बेच दिए जी। लेकिन लोग तो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। कांग्रेस करेगी क्यों नहीं, लेकिन उसको मौका नहीं दे पा रहे हैं लोग, मौका देंगे तब तो कुछ करेगी। कांग्रेस में क्या अच्छा, कांग्रेस में क्या अच्छा लगता है आपको? कांग्रेस में सब कुछ अच्छा है, कुछ सब नॉर्मल था उसमें, उसके राज में जो है कि सिलेंडर 400 रुपये था, आज की डेट में 1000 से पार है। अभी तो सब यही देख रहा है, अभी तेल था पहले 60 रुपया था, अभी 100 रुपया पार चल गया है। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि बहुत लोगों को नौकरियां दी हैं। नौकरी दे ले बाड़ा, कुल लेके पढ़ पढ़ के घर बैठल बाड़ा, लेको ना पढ़ पाओ थो सा, लेको ना पढ़ पाओ था, वहाँ बंद हो जाता स्कूल। पहले तो हम लोग अनाज उगाड़ लेते थे, सब कुछ कर लेते थे, वो तो खा जा रहे हैं तो क्या उगाएंगे हम लोग। किसका नाम ज्यादा चलता है? अखिलेश का। अखिलेश है तो बहुत हर चीज में सुविधा करते हैं, लड़कियों को पढ़ाना भी, हर चीज कन्यादान बहुत कुछ किए हैं, हर जगह जगह पर लड़कियों को सुथवा किए हैं। मोदी का चैनल हटा देते हैं, हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग अखिलेश का देखते हैं। 2017 में मैं वोटर नहीं थे, इस टाइम वोटर हूँ, और इतनी तेज बटन दबाऊंगा साइकिल की कि फिर वो मतलब आएगा नहीं। अरे दिक्कत ही हो गई कि उनकी दिले कौनो फायदा ना है, फायदा ये बाटे कि एक और देत बना, एक और निकाल गैस भी फिर कैल, एक और से लेत बना 1100 कह दिया, कहो 2000 कह दिया, का मतलब बा? कुछ मतलब नहीं है उनकी, मेहमानी की जितले कौनो फायदा ना बा, फायदा नहीं है।
फायदा कुछ भी नहीं। लेकिन गैस फ्री तो मिली होगी ना? फ्री बता एक और से तले तबाना कहाँ से गरीब भरी कहाँ से गरीब तू गरी कुछ नहीं खे अब मैंने के देवे के बैठे छड़ी पर राजभर के बस प्रकाश के। लेकिन राम मंदिर भी तो बन गया? बन गए तो वो करी उठू से बंद बन कर अरे बनौले बना जब बनावे लगल तो कितना आदमी के जनता के का कैल बना के। यहाँ तो सदा फातिमा जी का बहुत अच्छा ही यहाँ पहला बूथ रहेगा फर्स्ट पे रहेगा यहाँ। हाँ टिशोर उनकी किससे भाजपा के साथ है या साइकिल के साथ है? यहाँ जो है टिशोरी बूथ पे यहाँ भाजपा है और बसपा है यहाँ तीसरे नंबर पे छड़ी रहेगी। मुद्दा इलाके में जो है महंगाई है और बेरोजगारी है सबसे बड़ी समस्या है। महंगाई ये है जिस इलाके में आप हैं यहाँ पर देखिए आप सबके चेहरे पर किसी के भी चेहरे पर रौनक नहीं होगी क्योंकि ये गरीब तबका यहाँ बसता है। इस गरीब तबका के लिए महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है। सिलेंडर तो फ्री का मिला लेकिन उसको भराने का कोई आइडिया ही नहीं सरकार के पास है कि लोग उसको रिफिल कैसे कराएंगे। इस चीज़ को भी लोग बहुत केयर कर रहे हैं कि इस तरह से हमको लूट रही है। वही तेल का जो भाव था जिससे लोग सब्जी साग बनाते हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि सबके ऊपर एक राम का कार्ड भी है ना, राम मंदिर का भी कार्ड है और फिर उन्होंने इतना विकास भी किया है, काशी कॉरिडोर बनाया है, अयोध्या में इतना बनाया है, तो उस पर लोग वोट नहीं देंगे? आप देख लीजिए कि सारी जनता को ये पता चल गया है कि तीन ही मुद्दा होता है, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार। अगर ये तीन मुद्दे से अगर कोई भी अदर काम होता है तो लोगों के जहन में वो चीज़ नहीं बैठती है। अब कब तक आप धर्म का अफीम चटाएंगे किसी को? इस चीज को भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं लोग और पब्लिक का मेन मुद्दा यही है कि महंगाई है, शिक्षा है और रोजगार है। शुक्रिया। थोड़ा बहुत तो है वह कर को अपन जीवन बिताते हैं, फरुआ खाची हमारा आदमी करते हैं। हाँ रोजी रोजगार वो फरुआ खाची तो नहीं लगता है, कुल जीपसी कर देता है। हम लोग का आदमी तो नहीं बैठे हैं घर, कैसे हम लोग का रोजगार चलेगा? हाँ कोनो हर रोजगार योगी मोदी के देवे के चाहिए कि जो गरीब है वो अपन पेट पालें कोके कैसे करिया कैसे। रोजगार नहीं आया गांव में? कुछ नहीं आया है, कुछ रोजगार नहीं मिला है, तो क्या करें दीदी? इसी तरह मैडम जी, और कोई काम हम लोग को नहीं है, नहीं हम लोग गली में सड़क बनाए, न नाली बनाए, न टंकी बनाए, कुछ भी नहीं बनाए। ये लोग सिर्फ अपने अपने सब स्वार्थ बसे आदमी काम कर रहे हैं कि हमको दे दो हमको दे दो, कुछ हम लोग को नहीं। मैं सब जिम्मेदार लोग के वोट डालती हैं आप? हाँ वोट डालते हैं, तो जैसे जिम्मेदार लोग के खेत में पानी जाएगा तो ये लोग बोले हमारे खेत में जा रहे हैं, हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं मिला है, नहीं कोई सरकार हम लोग को कोई व्यवस्था दे रही है, तो वोट तो सभी मांग रहे हैं, तो किसको वोट दे हम लोग? हम लोग को भी कुछ बनाइए तभी ना हम लोग वोट देंगे, हर चीज का व्यवस्था बनाए हम लोग भी देंगे लोगों वोट। मैं बात ये बात कहना चाहता हूँ कि चूंकि भाजपा जब सत्ता में आई थी तो इस मुद्दे के साथ आई थी कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन हम चूंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित हैं उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग ने लगभग 4-5 महीने जांच करने के बाद रिपोर्ट दिया था कि इसमें लगभग 22,000 से 23,000 सीटों का OBC और SC के लोगों का घोटाला हुआ है। बताइए भाजपा कहती है कि सबका साथ और सबका विकास, हम लोगों की सीटों पर किसी अन्य विशेष जाति को उन्होंने रख दिया, उन्होंने सीधे सीधे हमारे पिछड़े और SC भाई की सीटों का हकमारी किया है, तो ये फिर कहाँ सिद्ध होता है कि सबका साथ सबका विकास? मोदी जोगी जी ने जो किया है वो भी अच्छा किया है और लोग भी जो किए वो भी अच्छा किया है, कोई अपने मतलब देखा जा तो कोई खराब नहीं करता, जिसमें जनता खुश है वही सब कुछ है। चलो बोले कि जोगी जी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, और सबसे पहले सांड को भैंस गोरु के इल मार के मुँहते हैं, खेत में जाते हैं तो इल मारते हैं, नान बिरादरी कोई नहीं मारता है। जहाँ देखो अभी कल गाय को मार के मुद्दाई की बात बता रहा हूँ, मुद्दाई की बात बता रहा हूँ, अभी कल मार के कर यहाँ तोड़ दिया गाय के, कल गाय मर गई ले के हम लोग फेंके उसको नदी के तीर, जो कि मोदी क्या किया बताइए आप बताइए। 1020 गैस मिल रहा था, अभी 1190 बता रहे हैं गैस मिल रहा है, क्या कर रहे हैं बताइए आप हैं? हम लोग को जोगी को और मोदी को नहीं जिताना है, बरगास को और अखिलेश जिताना है बस। मंदिर बनवाई है हम लोग को कुछ फायदा नहीं है, मंदिर में हम लोग क्या करेंगे जाके? बहुत करेंगे तो साल भर पर जाएंगे मंदिर में माथा टेक के चले आएंगे, और खाने को नहीं मिलेगा तो माथा टेकने से क्या होगा बताइए। सुनिए क्या कोई सुन रहा है, मोदी हो योगी हो या फिर अखिलेश या कोई भी और नेता, जनता के इन सवालों को कौन सुन रहा है? चुनाव में
सवाल सिर्फ एक नेता को हराने, एक पार्टी को हराने या दूसरी को जिताने का नहीं, सवाल इन मुद्दों का है, इनके हल का है। सवाल ये है कि ये जो तमाम सवाल हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इनका हल क्या चुनाव के ज़रिए निकलेगा? बताइए।